वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का बयान, डॉलर 225 रुपए से नीचे आ गया। इंटर बैंक में डॉलर की कदर में मुसलसल 8वें रोज कमी। डॉलर दौरान ट्रेडिंग 3 रुपए 4 पैसे सस्ता हो गया। 8 रोज में इंटर बैंक में डॉलर 15.5 रुपए नीचे आ गया। स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स 41,471 पॉइंट्स पर पहुंच गया। रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट के हजारों मुतासरीन कई माह से सरापा एहतजाज हैं। पंजाब हुकूमत हजारों एकड़ ज़रई अराजी को औने पौने दामों खरीद रही है। रूडा के मुतासरीन को जायज़ मुआवजा देने के बजाय धमकियां दी जा रही हैं। रूडा प्रोजेक्ट मुतासरीन से ज़बरदस्ती ज़मीनें हथियाने का मामला, नून लीग ने पंजाब असेंबली में मजम्मती करारदाद जमा करा दी। साबिक सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान के खिलाफ पंजाब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ, नून लीग की पंजाब असेंबली में मजम्मती करारदाद जमा। मौकिफ इख्तियार किया कि सियासी मुखालफत पर हरीफों को निशाना बनाना बाइस तशवीश है। पंजाब हुकूमत अब्दुल अलीम खान के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज कर रही है। आज अलीम खान साहब के ऊपर तुम रेड कराते हो, उनको जेलों में उनके बिजनेस के ऊपर, उसी बिजनेस का तुमने खाया हुआ। इमरान खान साहब कोई तो शर्म करो। इमरान खान ने अलीम खान के कारोबार से खाया, अब उन्हीं के दफातर पर छापे पड़वा रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। वजीर इत्तला'आत मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान अपने मोहसिनों के जनाजों में भी शिरकत नहीं करते। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना मंजूर। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को अदालत में पेशी के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की इजाज़त दे दी। अदालत ने हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया। महकमा इत्तला'आत सिंध में 6.25 अरब रुपए करप्शन का केस, अदालत ने शर्जील मेमन की नजरसानी दरख्वास्त मंजूर कर ली। शर्जील मेमन का नाम मुस्तकिल ECL से निकालने का हुक्म। स्पीकर पंजाब असेंबली के इंतखाब के दौरान बैलेट पेपर छुपाने का मुकदमा, अदालत ने लीगी रहनुमा राना मशहूर सैफुल मलुक खोकर समेत 5 अफराद की जमानतों की तौसीक कर दी। प्रोग्राम के आगाज में आपको बताएं कि क्या इमरान खान ने बुशरा बीबी और अरसलान खालिद की ऑडियो की तस्दीक कर दी है। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने एतराफ किया है, इसी जद्दोजहद को जहाद का नाम देना, हरीफों की हुब्बुल वतनी पर सवालात उठाना, क्या तहरीक इंसाफ कौम की तकसीम करने के मिशन पर गामजन है, सवालात उठने लगे हैं। मैंने अब जहाद डिक्लेयर किया है। मकबूल होने का मतलब कानून से बालातर होना कैसे हो गया। रंगे हाथों पकड़े जाने वाले चोर अब इदारों को बदनाम करके सजा से बचना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इमरान खान के खिलाफ सख्त रद्द अमल, कहा कौमी सलामती से खेलने वालों को कानून का सामना करना होगा। मैंने खेला ही नहीं अभी, अब ये एक्सपोज करेंगे तो खेलेंगे इसके ऊपर। कौमी मुफादात से खेलने वालों को कानून को जवाब देना पड़ेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम, कहा अवाम के बाद साजिशी अब इदारों में इंतशार फैलाने की साजिश कर रहा है। सिफारती साइफर में रद्दो बदल करके कौमी सलामती से खेला गया। शहबाज शरीफ ने सवाल उठाया कि मकबूल होने का मतलब कानून से बालातर होना कैसे हो गया। वजीर आजम ने कहा आपकी ऑडियो लीक्स ने पाकिस्तान के मुफादात के खिलाफ संगीन साजिश बेनकाब कर दी, कानून सबके लिए बराबर है। वजीर इत्तला'आत मरियम औरंगजेब ने भी वाज़ेह कर दिया कि मरासला साजिश सियासी नहीं, कौमी सलामती का मामला है, कानूनी तरीके से अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। उस साइफर को तब्दील किया गया एनालिसिस में, एक फैसला किया गया कि काबीना की सब कमेटी बनाई जाएगी और सब कमेटी का इजलास 1 अक्टूबर को हुआ। उस सब कमेटी ने यह फैसला किया है कि ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के जमरे में आता है और इसमें FIA की एक कमेटी बनाकर, और FIA का जो इस कमेटी का हेड होगा वो जिन जिन को चाहे को ऑप्ट कर सकता है, तमाम एजेंसीज को इसके अंदर शामिल कर सकता है और इसकी एक भरपूर इन्वेस्टिगेशन होकर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इमरान खान साहब हो या कोई भी चेहरा हो, वो नाकाबिले माफी गुनाह और जुर्म है और ये जुर्म एस्टैब्लिश हो चुका है। वफाकी वजीर का कहना था कि ना सिर्फ सिफारती साइफर को पब्लिक किया गया बल्कि इसमें जालसाजी करके टेम्परिंग भी की गई।
तौहीन तो हुई है और दुनिया के सामने हुई है। तौहीन अदालत केस के फैसले पर मरियम नवाज का रद्द अमल, कहा मुझे सजाए मौत की चक्कियों में रखा गया। इस मुल्क में अगर कानून नाम की कोई चीज है तो उसके हाथ इमरान खान के गिरेबान से दूर नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का रद्द अमल भी सामने आ गया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा तौहीन तो हुई है और पूरी दुनिया के सामने हुई है, ये कहने के बजाय कि केस खारिज हो गया ये कहना ज्यादा मुनासिब है कि फितने को माफी मिली है और दरगुजर हुआ है। अपने एक और ट्वीट में मरियम नवाज ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि जब तुमने मुझे सजाए मौत की चक्कियों में रखा तब भी मैं औरत ही थी, अब तुम्हारे जुल्म और झूठ के पोल खुल रहे हैं, तुम्हारा इंतकाम सरे बाजार रुसवा हो रहा है। इस मुल्क में अगर कानून नाम की कोई चीज तो उसके हाथ तुम्हारे गिरेबान से अब दूर नहीं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ताकतवर हलकों से बातचीत का एतराफ कर लिया, कहते हैं सियासतदान के दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं मगर मुजरिमों से बात नहीं करूंगा। इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए तो सहाफियों ने सवालात की बौछार कर दी। सवाल हुआ आपकी ताकतवर लोगों से बातचीत की खबरें हैं, इमरान खान ने जवाब दिया सियासतदान तो बातचीत करता रहता है मगर मुजरिमों से बात नहीं होगी, बाकी मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। साथ ही ये भी कहा अकलमंदी यही है कि जब बात हो रही हो तो इस पर बयान ना दिया जाए। मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस मिलने पर इमरान खान ने कहा इससे वाजे हो गया कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। और तो और इमरान खान ने अपने हक में फैसला आने के बाद भी मुल्क के अदालती निजाम पर पूरी तरह इत्मीनान का इजहार न किया। हर पॉलिटिशियन अच्छा नहीं होता और हर बुरा नहीं होता, जिस तरह हर साथी भी अच्छे होते बुरे होते हैं, ये तो कैसे फैसला नहीं। इमरान खान का कहना था कि उन पर एक ही केस बनाना बाकी रह गया है और वो चाय में रोटी डबो डबो कर खाने का केस है। सैफर से मुतालिक सवाल हुआ तो साहब कह लगा कर खामोश हो गए। टेलीथॉन में इकट्ठी होने वाली रकम का जिक्र हुआ तो बोले वो रकम इस हफ्ते लोगों में तकसीम होना शुरू हो जाएगी। एक और यूचान, वो इमरान खान जो लोगों में एक्स वाई और न्यूट्रल्स का नामुनासिब बयानियां घड़ते रहे अब वो ताकतवर हलकों से मुजाकरात फरमा रहे हैं। एक बार फिर पब्लिक में कुछ और प्राइवेट में कुछ और नजर आ रहे हैं, एक नहीं दो इमरान खान नजर आ रहे हैं। एक और एतराफ, एक और यूटर्न, एक नहीं दो पाकिस्तान, एक नहीं दो इमरान खान जो कल तक पब्लिक में एक्स वाई करते नहीं थक रहे थे। इमरान खान अपनी ही पार्टी के लिए मसला बन गए, सख्त बयानात ने पार्टी इत्तेहाद को दांव पर लगा दिया। एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुजाकरात में नाकामी पर तहरीक इंसाफ दो ग्रुपों में तकसीम हो गई। मुजाकरात में शरीक चार रुकनी कमेटी ने पार्टी मीटिंग में ब्रीफिंग के दौरान बताया कि चेयरमैन के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सख्त बयानात ने मुश्किल पैदा की है। पीटीआई के इजलास की अंदरूनी कहानी जानते हैं समा के नुमाइंदे कजाफी बर्ड से। जी कजाफी, तफसीलात दीजिए इस बारे में। बिल्कुल जी, कल जो इजलास हुआ, चूंकि इस एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मुजाकरती अमल है इसके अंदर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी खुद शरीक है, उन्होंने ब्रीफ किया कि जो चेयरमैन के जारहाना बयान थे उन्होंने मुश्किलात पैदा की हैं और अगर इस वक्त लॉन्ग मार्च में इस्लामाबाद का घेराव किया गया तो इससे मुश्किलात पैदा होंगी, इस तरह के इकदाम से जो है वो ग्रेज किया जाए और हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए और भी तरीके हैं। लेकिन जो तरीके इंसाफ का दूसरा धड़ा है उन्होंने इस बात की मुखालफत की और डॉक्टर आरिफ अलवी को तनकीद का निशाना बनाया। उनका ये कहना था कि डॉक्टर आरिफ अलवी के जो मुजाकरात हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ उससे कोई फायदा नहीं होगा, आवाम का मोमेंटम बना हुआ है इसलिए लॉन्ग मार्च की तारीख को बढ़ाने की बजाय इसका ऐलान करना चाहिए। इमरान खान को कायल करने की कोशिश की गई जिस पर चेयरमैन ने ये कहा कि वो लॉन्ग मार्च की तारीख का जो ऐलान है 12 रबीउल अव्वल के बाद करेंगे। इजलास के अंदर जो है वो मुतवक्को गिरफ्तारियों और जेल भरो तहरीक पर भी गौर किया, लेकिन इसके अंदर जो असल चीज ये थी कि एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ और एस्टेब्लिशमेंट हमायती धरे के दरमियान जो है वो इख्तलाफात बड़े खुलकर सामने आए और डॉक्टर आरिफ अलवी को तनकीद का सामना जो है वो करना पड़ा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कजाफी बट आपका। पीडीएम सरबरा मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि तहरीक इंसाफ होती कौन है जिससे आर्मी चीफ की तकरीरी या तौसी पर मशवरा किया जाए। इमरान खान की सियासत खत्म हो चुकी है, एक बावला गली कूचों में बोलता फिर रहा है, उसे अहमियत देने की जरूरत नहीं।
वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का बयान, डॉलर 225 रुपए से नीचे आ गया। इंटर बैंक में डॉलर की कदर में मुसलसल 8वें रोज कमी। डॉलर दौरान ट्रेडिंग 3 रुपए 4 पैसे सस्ता हो गया। 8 रोज में इंटर बैंक में डॉलर 15.5 रुपए नीचे आ गया। स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स 41,471 पॉइंट्स पर पहुंच गया। रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट के हजारों मुतासरीन कई माह से सरापा एहतजाज हैं। पंजाब हुकूमत हजारों एकड़ ज़रई अराजी को औने पौने दामों खरीद रही है। रूडा के मुतासरीन को जायज मुआवजा देने के बजाय धमकियां दी जा रही हैं। रूडा प्रोजेक्ट मुतासरीन से जबरदस्ती जमीनें हथियाने का मामला, नून लीग ने पंजाब असेंबली में मजम्मती करारदाद जमा करा दी। साबिक सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान के खिलाफ पंजाब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां, नून लीग की पंजाब असेंबली में मजम्मती करारदाद जमा। मौकिफ इख्तियार किया कि सियासी मुखालफत पर हरीफों को निशाना बनाना बाइस तशवीश है। पंजाब हुकूमत अब्दुल अलीम खान के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज कर रही है। आज अलीम खान साहब के ऊपर तुम रेड कराते हो, उनको जेलों में उनके बिजनेस के ऊपर, उसी बिजनेस का तुमने खाया हुआ। इमरान खान साहब कोई तो शर्म करो। इमरान खान ने अलीम खान के कारोबार से खाया, अब उन्हीं के दफातर पर छापे पड़वा रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान अपने मोहसिनों के जनाजों में भी शिरकत नहीं करते। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना मंजूर। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को अदालत में पेशी के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की इजाज़त दे दी। अदालत ने हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया। महकमा इतलात सिंध में 6.25 अरब रुपए करप्शन का केस, अदालत ने शर्जील मेमन की नजरसानी दरख्वास्त मंजूर कर ली। शर्जील मेमन का नाम मुस्तकिल ECL से निकालने का हुक्म। स्पीकर पंजाब असेंबली के इंतखाब के दौरान बैलेट पेपर छुपाने का मुकदमा, अदालत ने लीगी रहनुमा राना मशहूर सैफुल मलुक खोकर समेत 5 अफराद की जमानतों की तौसीक कर दी। प्रोग्राम के आगाज में आपको बताएं कि क्या इमरान खान ने बुशरा बीबी और अरसलान खालिद की ऑडियो की तस्दीक कर दी है। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने एतराफ किया है, इसी जद्दोजहद को जहाद का नाम देना, हरीफों की हुब्बुल वतनी पर सवालात उठाना, क्या तहरीक इंसाफ कौम की तकसीम करने के मिशन पर गामजन है, सवालात उठने लगे हैं। मैंने अब जहाद डिक्लेयर किया है। मकबूल होने का मतलब कानून से बालातर होना कैसे हो गया। रंगे हाथों पकड़े जाने वाले चोर अब इदारों को बदनाम करके सजा से बचना चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इमरान खान के खिलाफ सख्त रद्द अमल, कहा कौमी सलामती से खेलने वालों को कानून का सामना करना होगा। मैंने खेला ही नहीं अभी, अब ये एक्सपोज करेंगे तो खेलेंगे इसके ऊपर। कौमी मुफादात से खेलने वालों को कानून को जवाब देना पड़ेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम, कहा अवाम के बाद साजिशी अब इदारों में इंतशार फैलाने की साजिश कर रहा है। सिफारती साइफर में रद्दो बदल करके कौमी सलामती से खेला गया। शहबाज शरीफ ने सवाल उठाया कि मकबूल होने का मतलब कानून से बालातर होना कैसे हो गया। वजीर आजम ने कहा आपकी ऑडियो लीक्स ने पाकिस्तान के मुफादात के खिलाफ संगीन साजिश बेनकाब कर दी, कानून सबके लिए बराबर है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने भी वाज़ेह कर दिया कि मरासला साजिश सियासी नहीं, कौमी सलामती का मामला है, कानूनी तरीके से अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। उस साइफर को तब्दील किया गया एनालिसिस में, एक फैसला किया गया कि काबीना की सब कमेटी बनाई जाएगी और सब कमेटी का इजलास 1 अक्टूबर का हुआ। उस सब कमेटी ने यह फैसला किया है कि ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के जमरे में आता है और इसमें FIA की एक कमेटी बनाकर, और FIA का जो इस कमेटी का हेड होगा वो जिन जिन को चाहे को ऑप्ट कर सकता है, तमाम एजेंसीज को इसके अंदर शामिल कर सकता है और इसकी एक भरपूर इन्वेस्टिगेशन होकर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इमरान खान साहब हो या कोई भी चेहरा हो, वो नाकाबले माफी गुनाह और जुर्म है और ये जुर्म एस्टैब्लिश हो चुका है। वफाकी वजीर का कहना था कि ना सिर्फ सिफारती साइफर को पब्लिक किया गया बल्कि इसमें जालसाजी करके टेम्परिंग भी की गई।
توہین تو ہوئی ہے اور دنیا کے سامنے ہوئی ہے۔ توہین عدالت کیس کے فیصلے پر مریم نواز کا رد عمل، کہا مجھے سزائے موت کی چکیوں میں رکھا گیا، اس ملک میں اگر قانون نام کی کوئی چیز ہے تو اس کے ہاتھ عمران خان کے گریبان سے دور نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کو ریلیف، مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا توہین تو ہوئی ہے اور پوری دنیا کے سامنے ہوئی ہے، یہ کہنے کے بجائے کہ کیس خارج ہو گیا یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ فتنے کو معافی ملی ہے اور درگزر ہوا ہے۔ اپنے ایک اور ٹویٹ میں مریم نواز نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جب تم نے مجھے سزائے موت کی چکیوں میں رکھا تب بھی میں عورت ہی تھی، اب تمہارے ظلم اور جھوٹ کے پول کھل رہے ہیں، تمہارا انتقام سر بازار رسوا ہو رہا ہے، اس ملک میں اگر قانون نام کی کوئی چیز ہے تو اس کے ہاتھ تمہارے گریبان سے اب دور نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے طاقتور حلقوں سے بات چیت کا اعتراف کر لیا، کہتے ہیں سیاستدان کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوتے ہیں مگر مجرموں سے بات نہیں کروں گا۔ عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تو صحافیوں نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ سوال ہوا آپ کی طاقتور لوگوں سے بات چیت کی خبریں ہیں، عمران خان نے جواب دیا سیاستدان تو بات چیت کرتا رہتا ہے مگر مجرموں سے بات نہیں ہوگی، باقی میرے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا عقل مندی یہی ہے کہ جب بات ہو رہی ہو تو اس پر بیان نہ دیا جائے۔ مریم نواز کو پاسپورٹ واپس ملنے پر عمران خان نے کہا اس سے واضح ہو گیا کہ اس ملک میں رول آف لا نہیں ہے، اور تو اور عمران خان نے اپنے حق میں فیصلہ آنے کے بعد بھی ملک کے عدالتی نظام پر پوری طرح اطمینان کا اظہار نہ کیا۔ ہر پولیٹیشن اچھا نہیں ہوتا اور ہر برا نہیں ہوتا، جس طرح ہر صحافی بھی اچھے ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں، یہ عدالت کو اچھے فیصلے نہیں ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ان پر ایک ہی کیس بنانا باقی رہ گیا ہے اور وہ چائے میں روٹی ڈبو ڈبو کر کھانے کا کیس ہے۔ سائفر سے متعلق سوال ہوا تو صاحب کہہ لگا کر خاموش ہو گئے۔ ٹیلی تھون میں اکٹھی ہونے والی رقم کا ذکر ہوا تو بولے وہ رقم اس ہفتے لوگوں میں تقسیم ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک اور یو چان، وہ عمران خان جو لوگوں میں ایکس وائی اور نیوٹرلز کا نامناسب بیانیاں گھڑتے رہے اب وہ طاقتور حلقوں سے مذاکرات فرما رہے ہیں، ایک بار پھر پبلک میں کچھ اور پرائیویٹ میں کچھ اور نظر آ رہے ہیں، ایک نہیں دو عمران خان نظر آ رہے ہیں۔ ایک اور اعتراف، ایک اور یو ٹرن، ایک نہیں دو پاکستان، ایک نہیں دو عمران خان جو کل تک پبلک میں ایکس وائی کرتے نہیں تھک رہے تھے۔ عمران خان اپنی ہی پارٹی کے لیے مسئلہ بن گئے، سخت بیانات نے پارٹی اتحاد کو داؤ پر لگا دیا۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات میں ناکامی پر تحریک انصاف دو گروپوں میں تقسیم ہو گئی۔ مذاکرات میں شریک چار رکنی کمیٹی نے پارٹی میٹنگ میں بریفنگ کے دوران بتایا کہ چیئرمین کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سخت بیانات نے مشکل پیدا کی ہے۔ پی ٹی آئی کے اجلاس کی اندرونی کہانی جانتے ہیں سماکھی نمائندے قذافی بٹ سے۔ جی قذافی، تفصیلات دیجیے اس بارے میں۔ بالکل جی، کل جو اجلاس ہوا، چونکہ اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو مذاکراتی عمل ہے اس کے اندر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی خود شریک ہے، انہوں نے بریف کیا کہ جو چیئرمین کے جارحانہ بیانات تھے انہوں نے مشکلات پیدا کی ہیں، اور اگر اس وقت لانگ مارچ میں اسلام آباد کا گھیراؤ کیا گیا تو اس سے مشکلات پیدا ہوں گی، اس طرح کے اقدامات سے جو ہے وہ گریز کیا جائے اور حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے اور بھی طریقے ہیں۔ لیکن جو تحریک انصاف کا دوسرا دھڑا ہے انہوں نے اس بات کی مخالفت کی اور ڈاکٹر عارف علوی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈاکٹر عارف علوی کے جو مذاکرات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، عوام کا مومنٹم بنا ہوا ہے، اس لیے لانگ مارچ کی تاریخ کو بڑھانے کی بجائے اس کا اعلان کرنا چاہیے۔ عمران خان کو قائل کرنے کی کوشش کی گئی جس پر چیئرمین نے یہ کہا کہ وہ لانگ مارچ کی تاریخ کا جو اعلان ہے 12 ربیع الاول کے بعد کریں گے۔ اجلاس کے اندر جو ہے وہ متوقع گرفتاریوں اور جیل بھرو تحریک پر بھی غور کیا گیا، لیکن اس کے اندر جو اصل چیز یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ مخالف اور اسٹیبلشمنٹ حمایتی دھرے کے درمیان جو ہے وہ اختلافات بڑے کھل کر سامنے آئے اور ڈاکٹر عارف علوی کو تنقید کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ قذافی بٹ آپ کا۔ پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ تحریک انصاف ہوتی کون ہے جس سے آرمی چیف کی تقرری یا توسیع پر مشورہ کیا جائے، عمران خان کی سیاست ختم ہو چکی ہے، ایک باولا گلی کوچوں میں بولتا پھر رہا ہے، اسے اہمیت دینے کی ضرورت نہیں۔
वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का बयान, डॉलर 225 रुपए से नीचे आ गया। इंटर बैंक में डॉलर की कदर में मुसलसल 8वें रोज कमी। डॉलर दौरान ट्रेडिंग 3 रुपए 4 पैसे सस्ता हो गया। 8 रोज में इंटर बैंक में डॉलर 15.5 रुपए नीचे आ गया। स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स 41,471 पॉइंट्स पर पहुंच गया। रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट के हजारों मुतासरीन कई माह से सरापा एहतजाज हैं। पंजाब हुकूमत हजारों एकड़ ज़रई अराजी को औने पौने दामों खरीद रही है। रूडा के मुतासरीन को जायज़ मुआवजा देने के बजाय धमकियां दी जा रही हैं। रूडा प्रोजेक्ट मुतासरीन से ज़बरदस्ती ज़मीनें हथियाने का मामला, नून लीग ने पंजाब असेंबली में मजम्मती करारदाद जमा करा दी। साबिक सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान के खिलाफ पंजाब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ, नून लीग की पंजाब असेंबली में मजम्मती करारदाद जमा। मौकिफ इख्तियार किया कि सियासी मुखालफत पर हरीफों को निशाना बनाना बाइस तशवीश है। पंजाब हुकूमत अब्दुल अलीम खान के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज कर रही है। आज अलीम खान साहब के ऊपर तुम रेड कराते हो, उनको जेलों में उनके उनके बिजनेस के ऊपर, उसी बिजनेस का तुमने खाया हुआ। इमरान खान साहब, कोई तो शर्म करो। इमरान खान ने अलीम खान के कारोबार से खाया, अब उन्हीं के दफातर पर छापे पड़वा रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। वजीर इत्तला'आत मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान अपने मोहसिनों के जनाजों में भी शिरकत नहीं करते। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना मंजूर। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को अदालत में पेशी के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की इजाज़त दे दी। अदालत ने हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी मौफी की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया। महकमा इतलात सिंध में 6.25 अरब रुपए करप्शन का केस, अदालत ने शर्जील मेमन की नजरसानी दरख्वास्त मंजूर कर ली। शर्जील मेमन का नाम मुस्तकिल ECL से निकालने का हुक्म। स्पीकर पंजाब असेंबली के इंतखाब के दौरान बैलेट पेपर छुपाने का मुकदमा, अदालत ने लीगी रहनुमा राना मशहूर सैफुल मलुक खोकर समेत 5 अफराद की जमानतों की तौसीक कर दी। प्रोग्राम के आगाज में आपको बताएं कि क्या इमरान खान ने बुशरा बीबी और अरसलान खालिद की ऑडियो की तस्दीक कर दी है। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने एतराफ किया है, इसी जद्दोजहद को जहाद का नाम देना, हरीफों की हुब्बुल वतनी पर सवालात उठाना, क्या तहरीक इंसाफ कौम की तकसीम करने के मिशन पर गामजन है, सवालात उठने लगे हैं। मैंने अब जहाद डिक्लेयर किया है। मकबूल होने का मतलब कानून से बालातर होना कैसे हो गया। रंगे हाथों पकड़े जाने वाले चोर अब इदारों को बदनाम करके सजा से बचना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इमरान खान के खिलाफ सख्त रद्द अमल, कहा कौमी सलामती से खेलने वालों को कानून का सामना करना होगा। मैंने खेला ही नहीं अभी, अब ये एक्सपोज करेंगे तो खेलेंगे इसके ऊपर। कौमी मुफादात से खेलने वालों को कानून को जवाब देना पड़ेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम, कहा अवाम के बाद साजिशी, अब इदारों में इंतशार फैलाने की साजिश कर रहा है। सिफारती साइफर में रद्दो बदल करके कौमी सलामती से खेला गया। शहबाज शरीफ ने सवाल उठाया कि मकबूल होने का मतलब कानून से बालातर होना कैसे हो गया। वजीर आजम ने कहा आपकी ऑडियो लीक्स ने पाकिस्तान के मुफादात के खिलाफ संगीन साजिश बेनकाब कर दी, कानून सबके लिए बराबर है। वजीर इत्तला'आत मरियम औरंगजेब ने भी वाज़ेह कर दिया कि मरासला साजिश सियासी नहीं, कौमी सलामती का मामला है, कानूनी तरीके से अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। उस साइफर को तब्दील किया गया एनालिसिस में, एक फैसला किया गया कि काबीना की सब कमेटी बनाई जाएगी और सब कमेटी का इजलास 1 अक्टूबर का हुआ। उस सब कमेटी ने यह फैसला किया है कि ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के जमरे में आता है और इसके इसमें FIA की एक कमेटी बनाकर, और FIA का जो इस कमेटी का हेड होगा वो जिन जिन को चाहे को ऑप्ट कर सकता है, तमाम एजेंसीज को इसके अंदर शामिल कर सकता है और इसकी एक भरपूर इन्वेस्टिगेशन होकर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इमरान खान साहब हो या कोई भी चेहरा हो, वो नाकाबिले माफी गुनाह और जुर्म है और ये जुर्म एस्टैब्लिश हो चुका है। वफाकी वजीर का कहना था कि ना सिर्फ सिफारती साइफर को पब्लिक किया गया बल्कि इसमें जालसाजी करके टेम्परिंग भी की गई।
तौहीन तो हुई है और दुनिया के सामने हुई है। तौहीन अदालत केस के फैसले पर मरियम नवाज का रद्द अमल, कहा मुझे सजाए मौत की चक्कियों में रखा गया। इस मुल्क में अगर कानून नाम की कोई चीज है तो उसके हाथ इमरान खान के गिरेबान से दूर नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का रद्द अमल भी सामने आ गया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा तौहीन तो हुई है और पूरी दुनिया के सामने हुई है, ये कहने के बजाय कि केस खारिज हो गया ये कहना ज्यादा मुनासिब है कि फितने को माफी मिली है और दरगुजर हुआ है। अपने एक और ट्वीट में मरियम नवाज ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि जब तुमने मुझे सजाए मौत की चक्कियों में रखा तब भी मैं औरत ही थी, अब तुम्हारे जुल्म और झूठ के पोल खुल रहे हैं, तुम्हारा इंतकाम सरे बाजार रुसवा हो रहा है। इस मुल्क में अगर कानून नाम की कोई चीज तो उसके हाथ तुम्हारे गिरेबान से अब दूर नहीं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ताकतवर हलकों से बातचीत का एतराफ कर लिया, कहते हैं सियासतदान के दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं मगर मुजरिमों से बात नहीं करूंगा। इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए तो सहाफियों ने सवालात की बौछार कर दी। सवाल हुआ आपकी ताकतवर लोगों से बातचीत की खबरें हैं, इमरान खान ने जवाब दिया सियासतदान तो बातचीत करता रहता है मगर मुजरिमों से बात नहीं होगी, बाकी मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। साथ ही ये भी कहा अकलमंदी यही है कि जब बात हो रही हो तो इस पर बयान ना दिया जाए। मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस मिलने पर इमरान खान ने कहा इससे वाजे हो गया कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। और तो और इमरान खान ने अपने हक में फैसला आने के बाद भी मुल्क के अदालती निजाम पर पूरी तरह इत्मीनान का इजहार न किया। हर पॉलिटिशियन अच्छा नहीं होता और हर बुरा नहीं होता, जिस तरह हर साथी भी अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, ये दाल तो कैसे तारीख को बदलने। इमरान खान का कहना था कि उन पर एक ही केस बनाना बाकी रह गया है और वो चाय में रोटी डबो डबो कर खाने का केस है। साइफर से मुतालिक सवाल हुआ तो साहब कह कहे लगा कर खामोश हो गए। टेलीथॉन में इकट्ठी होने वाली रकम का जिक्र हुआ तो बोले वो रकम इस हफ्ते लोगों में तकसीम होना शुरू हो जाएगी। एक और यूचान, वो इमरान खान जो लोगों में एक्स वाई और न्यूट्रल्स का नामुनासिब बयानियां घड़ते रहे अब वो ताकतवर हलकों से मुजाकरात फरमा रहे हैं। एक बार फिर पब्लिक में कुछ और प्राइवेट में कुछ और नजर आ रहे हैं, एक नहीं दो इमरान खान नजर आ रहे हैं। एक और एतराब, एक और यूटर्न, एक नहीं दो पाकिस्तान, एक नहीं दो इमरान खान जो कल तक पब्लिक में एक्स वाई करते नहीं थक रहे थे। इमरान खान अपनी ही पार्टी के लिए मसला बन गए, सख्त बयानात ने पार्टी इत्तेहाद को दांव पर लगा दिया। एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुजाकरात में नाकामी पर तहरीक इंसाफ दो ग्रुपों में तकसीम हो गई। मुजाकरात में शरीक चार रुकनी कमेटी ने पार्टी मीटिंग में ब्रीफिंग के दौरान बताया कि चेयरमैन के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सख्त बयानात ने मुश्किल पैदा की है। पीटीआई के इजलास की अंदरूनी कहानी जानते हैं समा के नुमाइंदे कजाफी बर्ड से। जी कजाफी, तफसीलात दीजिए इस बारे में। बिल्कुल जी, कल जो इजलास हुआ, चूंकि इस एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मुजाकराती अमल है इसके अंदर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी खुद शरीक है, उन्होंने ब्रीफ किया कि जो चेयरमैन के जारहाना बयान थे उन्होंने मुश्किलात पैदा की हैं और अगर इस वक्त लॉन्ग मार्च में इस्लामाबाद का घेराव किया गया तो इससे मुश्किलात पैदा होंगी, इस तरह के इकदाम से जो है वो ग्रेज किया जाए और हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए और भी तरीके हैं। लेकिन जो तहरीक इंसाफ का दूसरा धड़ा है उन्होंने इस बात की मुखालफत की और डॉक्टर आरिफ अलवी को तनकीद का निशाना बनाया। उनका ये कहना था कि डॉक्टर आरिफ अलवी के जो मुजाकरात हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ उससे कोई फायदा नहीं होगा, आवाम का मोमेंटम बना हुआ है इसलिए लॉन्ग मार्च की तारीख को बढ़ाने की बजाय इसका ऐलान करना चाहिए। इमरान खान को कायल करने की कोशिश की गई जिस पर चेयरमैन ने ये कहा कि वो लॉन्ग मार्च की तारीख का जो ऐलान है 12 रबीउल अव्वल के बाद करेंगे। इजलास के अंदर जो है वो मतवक्को गिरफ्तारियों और जेल भरो तहरीक पर भी गौर किया गया लेकिन इसके अंदर जो असल चीज ये थी कि एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ और एस्टेब्लिशमेंट हमायती धरे के दरमियान जो है वो इख्तलाफात बड़े खुलकर सामने और डॉक्टर आरिफ अलवी को तनकीद का सामना जो है वो करना पड़ा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कजाफी बात आपका। पीडीएम सरबरा मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि तहरीक इंसाफ होती कौन है जिससे आर्मी चीफ की तकरीरी या तौसी पर मशवरा किया जाए। इमरान खान की सियासत खत्म हो चुकी है, एक बावला गली कूचों में बोलता फिर रहा है, उसे अहमियत देने की जरूरत नहीं।
वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का बयान, डॉलर 225 रुपए से नीचे आ गया। इंटर बैंक में डॉलर की कदर में मुसलसल 8वें रोज कमी। डॉलर दौरान ट्रेडिंग 3 रुपए 4 पैसे सस्ता हो गया। 8 रोज में इंटर बैंक में डॉलर 15.5 रुपए नीचे आ गया। स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स 41,471 पॉइंट्स पर पहुंच गया। रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट के हजारों मुतासरीन कई माह से सरापा एहतजाज हैं। पंजाब हुकूमत हजारों एकड़ ज़रई अराजी को औने पौने दामों खरीद रही है। रूडा के मुतासरीन को जायज़ मुआवजा देने के बजाय धमकियां दी जा रही हैं। रूडा प्रोजेक्ट मुतासरीन से ज़बरदस्ती ज़मीनें हथियाने का मामला, नून लीग ने पंजाब असेंबली में मजम्मती करारदाद जमा करा दी। साबिक सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान के खिलाफ पंजाब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ, नून लीग की पंजाब असेंबली में मजम्मती करारदाद जमा। मौकिफ इख्तियार किया कि सियासी मुखालफत पर हरीफों को निशाना बनाना बाइस तशवीश है। पंजाब हुकूमत अब्दुल अलीम खान के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज कर रही है। आज अलीम खान साहब के ऊपर तुम रेड कराते हो, उनको जेलों में उनके उनके बिजनेस के ऊपर, उसी बिजनेस का तुमने खाया हुआ। इमरान खान साहब कोई तो शर्म करो। इमरान खान ने अलीम खान के कारोबार से खाया, अब उन्हीं के दफातर पर छापे पड़वा रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। वजीर इत्तला'आत मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान अपने मोहसिनों के जनाजों में भी शिरकत नहीं करते। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना मंजूर। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को अदालत में पेशी के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की इजाज़त दे दी। अदालत ने हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी मौफी की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया। महकमा इत्तला'आत सिंध में 6.25 अरब रुपए करप्शन का केस, अदालत ने शर्जील मेमन की नजरसानी दरख्वास्त मंजूर कर ली। शर्जील मेमन का नाम मुस्तकिल ECL से निकालने का हुक्म। स्पीकर पंजाब असेंबली के इंतखाब के दौरान बैलेट पेपर छुपाने का मुकदमा, अदालत ने लीगी रहनुमा राना मशहूर सैफुल मलुक खोकर समेत 5 अफराद की जमानतों की तौसीक कर दी। प्रोग्राम के आगाज में आपको बताएं कि क्या इमरान खान ने बुशरा बीबी और अरसलान खालिद की ऑडियो की तस्दीक कर दी है। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने एतराफ़ किया है, इसी जद्दोजहद को जहाद का नाम देना, हरीफों की हुब्बुल वतनी पर सवालात उठाना, क्या तहरीक इंसाफ कौम की तकसीम करने के मिशन पर गामजन है, सवालात उठने लगे हैं। मैंने अब जहाद डिक्लेयर किया है। मकबूल होने का मतलब कानून से बालातर होना कैसे हो गया। रंगे हाथों पकड़े जाने वाले चोर अब इदारों को बदनाम करके सजा से बचना चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इमरान खान के खिलाफ सख्त रद्द अमल, कहा कौमी सलामती से खेलने वालों को कानून का सामना करना होगा। मैंने खेला ही नहीं अभी, अब ये एक्सपोज करेंगे तो खेलेंगे इसके ऊपर। कौमी मुफादात से खेलने वालों को कानून को जवाब देना पड़ेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम, कहा अवाम के बाद साजिशी अब इदारों में इंतशार फैलाने की साजिश कर रहा है। सिफारती साइफर में रद्दो बदल करके कौमी सलामती से खेला गया। शहबाज शरीफ ने सवाल उठाया कि मकबूल होने का मतलब कानून से बालातर होना कैसे हो गया। वजीर आजम ने कहा आपकी ऑडियो लीक्स ने पाकिस्तान के मुफादात के खिलाफ संगीन साजिश बेनकाब कर दी, कानून सबके लिए बराबर है। वजीर इत्तला'आत मरियम औरंगजेब ने भी वाज़ेह कर दिया कि मरासला साजिश सियासी नहीं, कौमी सलामती का मामला है, कानूनी तरीके से अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। उस साइफर को तब्दील किया गया एनालिसिस में, एक फैसला किया गया कि काबीना की सब कमेटी बनाई जाएगी और सब कमेटी का इजलास 1 अक्टूबर को हुआ। उस सब कमेटी ने यह फैसला किया है कि ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के जमरे में आता है और इसके इसमें FIA की एक कमेटी बनाकर, और FIA का जो इस कमेटी का हेड होगा वो जिन जिन को चाहे को ऑप्ट कर सकता है, तमाम एजेंसीज को इसके अंदर शामिल कर सकता है और इसकी एक भरपूर इन्वेस्टिगेशन होके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इमरान खान साहब हो या कोई भी चेहरा हो, वो नाकाबिले माफी गुनाह और जुर्म है और ये जुर्म एस्टैब्लिश हो चुका है। वफाकी वजीर का कहना था कि ना सिर्फ सिफारती साइफर को पब्लिक किया गया बल्कि इसमें जालसाजी करके टेम्परिंग भी की गई।
توہین تو ہوئی ہے اور دنیا کے سامنے ہوئی ہے. توہین عدالت کیس کے فیصلے پر مریم نواز کا رد عمل, کہا مجھے سزائے موت کی چکیوں میں رکھا گیا. اس ملک میں اگر قانون نام کی کوئی چیز ہے تو اس کے ہاتھ عمران خان کے گریبان سے دور نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کو ریلیف. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا رد عمل بھی سامنے آ گیا. سوشل میڈیا پیغام میں کہا توہین تو ہوئی ہے اور پوری دنیا کے سامنے ہوئی ہے, یہ کہنے کے بجائے کہ کیس خارج ہو گیا یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ فتنے کو معافی ملی ہے اور درگزر ہوا ہے. اپنے ایک اور ٹویٹ میں مریم نواز نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جب تم نے مجھے سزائے موت کی چکیوں میں رکھا تب بھی میں عورت ہی تھی, اب تمہارے ظلم اور جھوٹ کے پول کھل رہے ہیں, تمہارا انتقام سر بازار رسوا ہو رہا ہے. اس ملک میں اگر قانون نام کی کوئی چیز تو اس کے ہاتھ تمہارے گریبان سے اب دور نہیں. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے طاقتور حلقوں سے بات چیت کا اعتراف کر لیا. کہتے ہیں سیاستدان کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوتے ہیں مگر مجرموں سے بات نہیں کروں گا. عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تو صحافیوں نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی. سوال ہوا آپ کی طاقتور لوگوں سے بات چیت کی خبریں ہیں. عمران خان نے جواب دیا سیاستدان تو بات چیت کرتا رہتا ہے مگر مجرموں سے بات نہیں ہوگی, باقی میرے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. ساتھ ہی یہ بھی کہا عقل مندی یہی ہے کہ جب بات ہو رہی ہو تو اس پر بیان نہ دیا جائے. مریم نواز کو پاسپورٹ واپس ملنے پر عمران خان نے کہا اس سے واضح ہو گیا کہ اس ملک میں رول آف لا نہیں ہے. اور تو اور عمران خان نے اپنے حق میں فیصلہ آنے کے بعد بھی ملک کے عدالتی نظام پر پوری طرح اطمینان کا اظہار نہ کیا. ہر پولیٹیشن اچھا نہیں ہوتا اور ہر برا نہیں ہوتا, جس طرح ہر صحافی اچھے ہوتے. عمران خان کا کہنا تھا کہ ان پر ایک ہی کیس بنانا باقی رہ گیا ہے اور وہ چائے میں روٹی ڈبو ڈبو کر کھانے کا کیس ہے. سائفر سے متعلق سوال ہوا تو صاحب کہہ لگا کر خاموش ہو گئے. ٹیلی تھون میں اکٹھی ہونے والی رقم کا ذکر ہوا تو بولے وہ رقم اس ہفتے لوگوں میں تقسیم ہونا شروع ہو جائے گی. ایک اور یوچان, وہ عمران خان جو لوگوں میں ایکس وائی اور نیوٹرلز کا نامناسب بیانیاں گھڑتے رہے اب وہ طاقتور حلقوں سے مذاکرات فرما رہے ہیں. ایک بار پھر پبلک میں کچھ اور پرائیویٹ میں کچھ اور نظر آ رہے ہیں. ایک نہیں دو عمران خان نظر آ رہے ہیں. ایک اور اعتراف, ایک اور یوٹرن, ایک نہیں دو پاکستان, ایک نہیں دو عمران خان جو کل تک پبلک میں ایکس وائی کرتے نہیں تھک رہے تھے. عمران خان اپنی ہی پارٹی کے لیے مسئلہ بن گئے. سخت بیانات نے پارٹی اتحاد کو داؤ پر لگا دیا. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات میں ناکامی پر تحریک انصاف دو گروپوں میں تقسیم ہو گئی. مذاکرات میں شریک چار رکنی کمیٹی نے پارٹی میٹنگ میں بریفنگ کے دوران بتایا کہ چیئرمین کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سخت بیانات نے مشکل پیدا کی ہے. پی ٹی آئی کے اجلاس کی اندرونی کہانی جانتے ہیں سماکھی نمائندے قذافی بٹ سے. جی قذافی, تفصیلات دیجیے اس بارے میں. بالکل جی, کل جو اجلاس ہوا, چونکہ اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو مذاکراتی عمل ہے اس کے اندر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی خود شریک ہے. انہوں نے بریف کیا کہ جو چیئرمین کے جارحانہ بیانات تھے انہوں نے مشکلات پیدا کی ہیں, اور اگر اس وقت لانگ مارچ میں اسلام آباد کا گھیراؤ کیا گیا تو اس سے مشکلات پیدا ہوں گی, اس طرح کے اقدامات سے جو ہے وہ گریز کیا جائے اور حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے اور بھی طریقے ہیں. لیکن جو تحریک انصاف کا دوسرا دھڑا ہے انہوں نے اس بات کی مخالفت کی اور ڈاکٹر عارف علوی کو تنقید کا نشانہ بنایا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈاکٹر عارف علوی کے جو مذاکرات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, عوام کا مومنٹم بنا ہوا ہے, اس لیے لانگ مارچ کی تاریخ کو بڑھانے کی بجائے اس کا اعلان کرنا چاہیے. عمران خان کو قائل کرنے کی کوشش کی گئی جس پر چیئرمین نے یہ کہا کہ وہ لانگ مارچ کی تاریخ کا جو اعلان ہے 12 ربیع الاول کے بعد کریں گے. اجلاس کے اندر جو ہے وہ متوقع گرفتاریوں اور جیل بھرو تحریک پر بھی غور کیا, لیکن اس کے اندر جو اصل چیز یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ مخالف اور اسٹیبلشمنٹ حمایتی دھرے کے درمیان جو ہے وہ اختلافات بڑے کھل کر سامنے آئے اور ڈاکٹر عارف علوی کو تنقید کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ قذافی بٹ آپ کا. پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ تحریک انصاف ہوتی کون ہے جس سے آرمی چیف کی تقرری یا توسیع پر مشورہ کیا جائے. عمران خان کی سیاست ختم ہو چکی ہے, ایک باولا گلی کوچوں میں بولتا پھر رہا ہے, اسے اہمیت دینے کی ضرورت نہیں.
वजीर खजाना इसहाक डार का बयान, डॉलर 225 रुपए से नीचे आ गया। इंटर बैंक में डॉलर की कदर में मुसलसल आठवें रोज कमी। डॉलर दौरान ट्रेडिंग 3 रुपए 4 पैसे सस्ता हो गया। 8 रोज में इंटर बैंक में डॉलर 15.5 रुपए नीचे आ गया। स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स 41,471 पॉइंट्स पर पहुंच गया। रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट के हजारों मुतासरीन कई माह से सरापा एहतजाज हैं। पंजाब हुकूमत हजारों एकड़ जरई अराजी को औने पौने दामों खरीद रही है। रूडा के मुतासरीन को जायज मुआवजा देने के बजाय धमकियां दी जा रही हैं। रूडा प्रोजेक्ट मुतासरीन से जबरदस्ती जमीनें हथियाने का मामला, नून लीग ने पंजाब असेंबली में मजम्मती करारदाद जमा करा दी। साबिक सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान के खिलाफ पंजाब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां, नून लीग की पंजाब असेंबली में मजम्मती करारदाद जमा। मौकिफ इख्तियार किया कि सियासी मुखालफत पर हरीफों को निशाना बनाना बाइस तशवीश है। पंजाब हुकूमत अब्दुल अलीम खान के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज कर रही है। आज अलीम खान साहब के ऊपर तुम रेड कराते हो, उनको जेलों में उनके बिजनेस के ऊपर, उसी बिजनेस का तुमने खाया हुआ। इमरान खान साहब कोई तो शर्म करो। इमरान खान ने अलीम खान के कारोबार से खाया, अब उन्हीं के दफातर पर छापे पड़वा रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान अपने मोहसिनों के जनाजों में भी शिरकत नहीं करते। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना मंजूर। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को अदालत में पेशी के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की इजाज़त दे दी। अदालत ने हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी मौफी की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया। महकमा इतलात सिंध में 6.5 अरब रुपए करप्शन का केस, अदालत ने शर्जील मेमन की नजरसानी दरख्वास्त मंजूर कर ली। शर्जील मेमन का नाम मुस्तकिल ECL से निकालने का हुक्म। स्पीकर पंजाब असेंबली के इंतखाब के दौरान बैलेट पेपर छुपाने का मुकदमा, अदालत ने लीगी रहनुमा राना मशहूर सैफुल मुल्क खोकर समेत 5 अफराद की जमानतों की तौसीक कर दी। प्रोग्राम के आगाज में आपको बताएं कि क्या इमरान खान ने बुशरा बीबी और अरसलान खालिद की ऑडियो की तस्दीक कर दी है। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने एतराफ किया है, इसी जद्दोजहद को जहाद का नाम देना, हरीफों की हुब्बुल वतनी पर सवालात उठाना, क्या तहरीक इंसाफ कौम की तकसीम करने के मिशन पर गामजन है, सवालात उठने लगे हैं। मैंने अब जहाद डिक्लेयर किया है। मकबूल होने का मतलब कानून से बालातर होना कैसे हो गया। रंगे हाथों पकड़े जाने वाले चोर अब इदारों को बदनाम करके सजा से बचना चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इमरान खान के खिलाफ सख्त रद्द अमल, कहा कौमी सलामती से खेलने वालों को कानून का सामना करना होगा। मैंने खेला ही नहीं अभी, अब ये एक्सपोज करेंगे तो खेलेंगे इसके ऊपर। कौमी मुफादात से खेलने वालों को कानून को जवाब देना पड़ेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम, कहा अवाम के बाद साजिशी, अब इदारों में इंतशार फैलाने की साजिश कर रहा है। सिफारती साइफर में रद्दो बदल करके कौमी सलामती से खेला गया। शहबाज शरीफ ने सवाल उठाया कि मकबूल होने का मतलब कानून से बालातर होना कैसे हो गया। वजीर आजम ने कहा आपकी ऑडियो लीक्स ने पाकिस्तान के मुफादात के खिलाफ संगीन साजिश बेनकाब कर दी, कानून सबके लिए बराबर है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने भी वाज़ेह कर दिया कि मरासला साजिश सियासी नहीं, कौमी सलामती का मामला है, कानूनी तरीके से अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। उस साइफर को तब्दील किया गया एनालिसिस में, एक फैसला किया गया कि काबीना की सब कमेटी बनाई जाएगी और सब कमेटी का इजलास 1 अक्टूबर का हुआ। उस सब कमेटी ने ये फैसला किया है कि ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के जमरे में आता है और इसमें FIA की एक कमेटी बनाकर, और FIA का जो इस कमेटी का हेड होगा वो जिन जिन को चाहे को ऑप्ट कर सकता है, तमाम एजेंसीज को इसके अंदर शामिल कर सकता है और इसकी एक भरपूर इन्वेस्टिगेशन होके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इमरान खान साहब हो या कोई भी चेहरा हो, वो नाकाबिले माफी गुनाह और जुर्म है और ये जुर्म एस्टैब्लिश हो चुका है। वफाकी वजीर का कहना था कि ना सिर्फ सिफारती साइफर को पब्लिक किया गया बल्कि इसमें जालसाजी करके टेम्परिंग भी की गई। तौहीन तो हुई है और दुनिया के सामने हुई है। तौहीन अदालत केस के फैसले पर मरियम नवाज का रद्द अमल, कहा
मुझे सजाए मौत की चक्कियों में रखा गया। इस मुल्क में अगर कानून नाम की कोई चीज है तो उसके हाथ इमरान खान के गिरेबान से दूर नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का रद्द अमल भी सामने आ गया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, तौहीन तो हुई है और पूरी दुनिया के सामने हुई है, ये कहने के बजाय कि केस खारिज हो गया, ये कहना ज्यादा मुनासिब है कि फितने को माफी मिली है और दरगुजर हुआ है। अपने एक और ट्वीट में मरियम नवाज ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि जब तुमने मुझे सजाए मौत की चक्कियों में रखा तब भी मैं औरत ही थी, अब तुम्हारे जुल्म और झूठ के पोल खुल रहे हैं, तुम्हारा इंतकाम सरे बाजार रुस्वा हो रहा है। इस मुल्क में अगर कानून नाम की कोई चीज तो उसके हाथ तुम्हारे गिरेबान से अब दूर नहीं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ताकतवर हलकों से बातचीत का एतराफ कर लिया। कहते हैं सियासतदान के दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं मगर मुजरिमों से बात नहीं करूंगा। इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए तो सहाफियों ने सवालात की बौछार कर दी। सवाल हुआ, आपकी ताकतवर लोगों से बातचीत की खबरें हैं? इमरान खान ने जवाब दिया, सियासतदान तो बातचीत करता रहता है मगर मुजरिमों से बात नहीं होगी, बाकी मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। साथ ही ये भी कहा, अकलमंदी यही है कि जब बात हो रही हो तो इस पर बयान ना दिया जाए। मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस मिलने पर इमरान खान ने कहा, इससे वाजे हो गया कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। और तो और इमरान खान ने अपने हक में फैसला आने के बाद भी मुल्क के अदालती निजाम पर पूरी तरह इत्मीनान का इजहार न किया। हर पॉलिटिशियन अच्छा नहीं होता और हर बुरा नहीं होता, जिस तरह हर साथी भी अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, ये तो अच्छे तारीख को बोलते नहीं है। इमरान खान का कहना था कि उन पर एक ही केस बनाना बाकी रह गया है और वो चाय में रोटी डबो डबो कर खाने का केस है। साइफर से मुतालिक सवाल हुआ तो साहब कह कहे लगा कर खामोश हो गए। टेलीथॉन में इकट्ठी होने वाली रकम का जिक्र हुआ तो बोले, वो रकम इस हफ्ते लोगों में तकसीम होना शुरू हो जाएगी। एक और यूचान, वो इमरान खान जो लोगों में एक्स वाई और न्यूट्रल्स का नामुनासिब बयानियां घड़ते रहे, अब वो ताकतवर हलकों से मुजाकरात फरमा रहे हैं। एक बार फिर पब्लिक में कुछ और प्राइवेट में कुछ और नजर आ रहे हैं। एक नहीं दो इमरान खान नजर आ रहे हैं। एक और एतराफ, एक और यूटर्न, एक नहीं दो पाकिस्तान, एक नहीं दो इमरान खान जो कल तक पब्लिक में एक्स वाई करते नहीं थक रहे थे। इमरान खान अपनी ही पार्टी के लिए मसला बन गए। सख्त बयानात ने पार्टी इत्तेहाद को दांव पर लगा दिया। एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुजाकरात में नाकामी पर तहरीक इंसाफ दो ग्रुपों में तकसीम हो गई। मुजाकरात में शरीक चार रुकनी कमेटी ने पार्टी मीटिंग में ब्रीफिंग के दौरान बताया कि चेयरमैन के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सख्त बयानात ने मुश्किल पैदा की है। पीटीआई के इजलास की अंदरूनी कहानी जानते हैं समाख्य नुमाइंदे कजाफी बर से। जी कजाफी, तफसीलात दीजिए इस बारे में। बिल्कुल जी, कल जो इजलास हुआ, चूंकि इस एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मुजाकरातनी अमल है इसके अंदर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी खुद शरीक है, उन्होंने ब्रीफ किया कि जो चेयरमैन के जारहाना बयान थे उन्होंने मुश्किलात पैदा की हैं और अगर इस वक्त लॉन्ग मार्च में इस्लामाबाद का घेराव किया गया तो इससे मुश्किलात पैदा होंगी, इस तरह के इकदाम से जो है वो ग्रेज किया जाए और हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए और भी तरीके हैं। लेकिन जो तहरीके इंसाफ का दूसरा धड़ा है उन्होंने इस बात की मुखालफत की और डॉक्टर आरिफ अलवी को तनकीद का निशाना बनाया और उनका ये कहना था कि डॉक्टर आरिफ अलवी के जो मुजाकरात हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ उससे कोई फायदा नहीं होगा, आवाम का मोमेंटम बना हुआ है इसलिए लॉन्ग मार्च की तारीख को बढ़ाने की बजाय इसका ऐलान करना चाहिए। इमरान खान को कायल करने की कोशिश की गई जिस पर चेयरमैन ने ये कहा कि वो लॉन्ग मार्च की तारीख का जो ऐलान है 12 रबीउल अव्वल के बाद करेंगे। इजलास के अंदर जो है वो मतवक्को गिरफ्तारियों और जेल भरो तहरीक पर भी गौर किया गया लेकिन इसके अंदर जो असल चीज ये थी कि एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ और एस्टेब्लिशमेंट हमायती धरे के दरमियान जो है वो इख्तलाफात बड़े खुलकर सामने आए और डॉक्टर आरिफ अलवी को तनकीद का सामना जो है वो करना पड़ा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कजाफी बट आपका। पीडीएम सरबरा मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि तहरीक इंसाफ होती कौन है जिससे आर्मी चीफ की तकरीरी या तौसी पर मशवरा किया जाए। इमरान खान की सियासत खत्म हो चुकी है, एक बावला गली कूचों में बोलता फिर रहा है, उसे अहमियत देने की जरूरत नहीं।
वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का बयान, डॉलर 225 रुपए से नीचे आ गया। इंटर बैंक में डॉलर की कदर में मुसलसल 8वें रोज कमी। डॉलर दौरान ट्रेडिंग 3 रुपए 4 पैसे सस्ता हो गया। 8 रोज में इंटर बैंक में डॉलर 15.5 रुपए नीचे आ गया। स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स 41,471 पॉइंट्स पर पहुंच गया। रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट के हजारों मुतासरीन कई माह से सरापा एहतजाज हैं। पंजाब हुकूमत हजारों एकड़ जरई अराजी को औने पौने दामों खरीद रही है। रूडा के मुतासरीन को जायज मुआवजा देने के बजाय धमकियां दी जा रही हैं। रूडा प्रोजेक्ट मुतासरीन से जबरदस्ती जमीनें हथियाने का मामला, नून लीग ने पंजाब असेंबली में मजम्मती करारदाद जमा करा दी। साबिक सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान के खिलाफ पंजाब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां, नून लीग की पंजाब असेंबली में मजम्मती करारदाद जमा। मौकिफ इख्तियार किया कि सियासी मुखालफत पर हरीफों को निशाना बनाना बाइस तशवीश है। पंजाब हुकूमत अब्दुल अलीम खान के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज कर रही है। आज अलीम खान साहब के ऊपर तुम रेड कराते हो, उनको जेलों में उनके बिजनेस के ऊपर, उसी बिजनेस का तुमने खाया हुआ। इमरान खान साहब कोई तो शर्म करो। इमरान खान ने अलीम खान के कारोबार से खाया, अब उन्हीं के दफातर पर छापे पड़वा रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। वजीर इत्तला'आत मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान अपने मोहसिनों के जनाजों में भी शिरकत नहीं करते। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना मंजूर। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को अदालत में पेशी के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की इजाज़त दे दी। अदालत ने हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया। महकमा इतलात सिंध में 6.25 अरब रुपए करप्शन का केस, अदालत ने शर्जील मेमन की नजरसानी दरख्वास्त मंजूर कर ली। शर्जील मेमन का नाम मुस्तकिल ECL से निकालने का हुक्म। स्पीकर पंजाब असेंबली के इंतखाब के दौरान बैलेट पेपर छुपाने का मुकदमा, अदालत ने लीगी रहनुमा राना मशहूर सैफुल मलुक खोकर समेत 5 अफराद की जमानतों की तौसीक कर दी। प्रोग्राम के आगाज में आपको बताएं कि क्या इमरान खान ने बुशरा बीबी और अरसलान खालिद की ऑडियो की तस्दीक कर दी है। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने एतराफ किया है, इसी जद्दोजहद को जहाद का नाम देना, हरीफों की हुब्बुल वतनी पर सवालात उठाना, क्या तहरीक इंसाफ कौम की तकसीम करने के मिशन पर गामजन है, सवालात उठने लगे हैं। मैंने अब जहाद डिक्लेयर किया है। मकबूल होने का मतलब कानून से बालातर होना कैसे हो गया। रंगे हाथों पकड़े जाने वाले चोर अब इदारों को बदनाम करके सजा से बचना चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इमरान खान के खिलाफ सख्त रद्द अमल, कहा कौमी सलामती से खेलने वालों को कानून का सामना करना होगा। मैंने खेला ही नहीं अभी, अब ये एक्सपोज करेंगे तो खेलेंगे इसके ऊपर। कौमी मुफादात से खेलने वालों को कानून को जवाब देना पड़ेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम, कहा अवाम के बाद साजिशी अब इदारों में इंतशार फैलाने की साजिश कर रहा है। सिफारती साइफर में रद्दो बदल करके कौमी सलामती से खेला गया। शहबाज शरीफ ने सवाल उठाया कि मकबूल होने का मतलब कानून से बालातर होना कैसे हो गया। वजीर आजम ने कहा आपकी ऑडियो लीक्स ने पाकिस्तान के मुफादात के खिलाफ संगीन साजिश बेनकाब कर दी, कानून सबके लिए बराबर है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने भी वाजे कर दिया कि मरासला साजिश सियासी नहीं कौमी सलामती का मामला है, कानूनी तरीके से अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। उस साइफर को तब्दील किया गया एनालिसिस में, एक फैसला किया गया कि काबीना की सब कमेटी बनाई जाएगी और सब कमेटी का इजलास 1 अक्टूबर का हुआ। उस सब कमेटी ने यह फैसला किया है कि ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के जमरे में आता है और इसमें FIA की एक कमेटी बनाकर, और FIA का जो इस कमेटी का हेड होगा वो जिन जिन को चाहे को ऑप्ट कर सकता है, तमाम एजेंसीज को इसके अंदर शामिल कर सकता है और इसकी एक भरपूर इन्वेस्टिगेशन होके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इमरान खान साहब हो या कोई भी चेहरा हो, वो नाकाबिले माफी गुनाह और जुर्म है और ये जुर्म एस्टैब्लिश हो चुका है। वफाकी वजीर का कहना था कि ना सिर्फ सिफारती साइफर को पब्लिक किया गया बल्कि इसमें जालसाजी करके टेम्परिंग भी की गई। तौहीन तो हुई है और दुनिया के सामने हुई है। तौहीन अदालत केस के फैसले पर मरियम नवाज का रद्द अमल, कहा
मुझे सजाए मौत की चक्कियों में रखा गया। इस मुल्क में अगर कानून नाम की कोई चीज है तो उसके हाथ इमरान खान के गिरेबान से दूर नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का रद्द अमल भी सामने आ गया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, तौहीन तो हुई है और पूरी दुनिया के सामने हुई है, ये कहने के बजाय कि केस खारिज हो गया, ये कहना ज्यादा मुनासिब है कि फितने को माफी मिली है और दरगुजर हुआ है। अपने एक और ट्वीट में मरियम नवाज ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि जब तुमने मुझे सजाए मौत की चक्कियों में रखा तब भी मैं औरत ही थी, अब तुम्हारे जुल्म और झूठ के पोल खुल रहे हैं, तुम्हारा इंतकाम सरे बाजार रुसवा हो रहा है। इस मुल्क में अगर कानून नाम की कोई चीज तो उसके हाथ तुम्हारे गिरेबान से अब दूर नहीं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ताकतवर हलकों से बातचीत का एतराफ कर लिया। कहते हैं सियासतदान के दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं मगर मुजरिमों से बात नहीं करूंगा। इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए तो सहाफियों ने सवालात की बौछार कर दी। सवाल हुआ, आपकी ताकतवर लोगों से बातचीत की खबरें हैं? इमरान खान ने जवाब दिया, सियासतदान तो बातचीत करता रहता है मगर मुजरिमों से बात नहीं होगी, बाकी मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। साथ ही ये भी कहा, अकलमंदी यही है कि जब बात हो रही हो तो इस पर बयान ना दिया जाए। मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस मिलने पर इमरान खान ने कहा, इससे वाजे हो गया कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। और तो और इमरान खान ने अपने हक में फैसला आने के बाद भी मुल्क के अदालती निजाम पर पूरी तरह इत्मीनान का इजहार न किया। हर पॉलिटिशियन अच्छा नहीं होता और हर बुरा नहीं होता, जिस तरह हर साथी भी अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, ये तो अच्छे फैसले को नहीं है। इमरान खान का कहना था कि उन पर एक ही केस बनाना बाकी रह गया है और वो चाय में रोटी डबो डबो कर खाने का केस है। साइफर से मुतालिक सवाल हुआ तो साहब कह लगा कर खामोश हो गए। टेलीथॉन में इकट्ठी होने वाली रकम का जिक्र हुआ तो बोले, वो रकम इस हफ्ते लोगों में तकसीम होना शुरू हो जाएगी। एक और यूचान, वो इमरान खान जो लोगों में एक्स वाई और न्यूट्रल्स का नामुनासिब बयानियां घड़ते रहे, अब वो ताकतवर हलकों से मुजाकरात फरमा रहे हैं। एक बार फिर पब्लिक में कुछ और प्राइवेट में कुछ और नजर आ रहे हैं। एक नहीं दो इमरान खान नजर आ रहे हैं। एक और एतराफ, एक और यूटर्न, एक नहीं दो पाकिस्तान, एक नहीं दो इमरान खान जो कल तक पब्लिक में एक्स वाई करते नहीं थक रहे थे। इमरान खान अपनी ही पार्टी के लिए मसला बन गए। सख्त बयानात ने पार्टी इत्तेहाद को दांव पर लगा दिया। एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुजाकरात में नाकामी पर तहरीक इंसाफ दो ग्रुपों में तकसीम हो गई। मुजाकरात में शरीक चार रुकनी कमेटी ने पार्टी मीटिंग में ब्रीफिंग के दौरान बताया कि चेयरमैन के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सख्त बयानात ने मुश्किल पैदा की है। पीटीआई के इजलास की अंदरूनी कहानी जानते हैं समा के नुमाइंदे कजाफी बर्ड से। जी कजाफी, तफसीलात दीजिए इस बारे में। बिल्कुल जी, कल जो इजलास हुआ, चूंकि इस एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मुजाकराती अमल है इसके अंदर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी खुद शरीक है, उन्होंने ब्रीफ किया कि जो चेयरमैन के जारहाना बयान थे उन्होंने मुश्किलात पैदा की हैं और अगर इस वक्त लॉन्ग मार्च में इस्लामाबाद का घेराव किया गया तो इससे मुश्किलात पैदा होंगी, इस तरह के इकदाम से जो है वो ग्रेज किया जाए और हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए और भी तरीके हैं। लेकिन जो तरीके इंसाफ का दूसरा धड़ा है उन्होंने इस बात की मुखालफत की और डॉक्टर आरिफ अलवी को तनकीद का निशाना बनाया। उनका ये कहना था कि डॉक्टर आरिफ अलवी के जो मुजाकरात हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ उससे कोई फायदा नहीं होगा, आवाम का मोमेंटम बना हुआ है, इसलिए लॉन्ग मार्च की तारीख को बढ़ाने की बजाय इसका ऐलान करना चाहिए। इमरान खान को कायल करने की कोशिश की गई जिस पर चेयरमैन ने ये कहा कि वो लॉन्ग मार्च की तारीख का जो ऐलान है 12 रबीउल अव्वल के बाद करेंगे। इजलास के अंदर जो है वो मुतवक्को गिरफ्तारियों और जेल भरो तहरीक पर भी गौर किया, लेकिन इसके अंदर जो असल चीज ये थी कि एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ और एस्टेब्लिशमेंट हमायती धरे के दरमियान जो है वो इख्तलाफात बड़े खुलकर सामने आए और डॉक्टर आरिफ अलवी को तनकीद का सामना जो है वो करना पड़ा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कजाफी बट आपका। पीडीएम सरबरा मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि तहरीक इंसाफ होती कौन है जिससे आर्मी चीफ की तकरीरी या तौसी पर मशवरा किया जाए। इमरान खान की सियासत खत्म हो चुकी है, एक बावला गली कूचों में बोलता फिर रहा है, उसे अहमियत देने की जरूरत नहीं।
वजीर खजाना इसहाक डार का बयान, डॉलर 225 रुपए से नीचे आ गया। इंटर बैंक में डॉलर की कदर में मुसलसल 8वें रोज कमी। डॉलर दौरान ट्रेडिंग 3 रुपए 4 पैसे सस्ता हो गया। 8 रोज में इंटर बैंक में डॉलर 15.5 रुपए नीचे आ गया। स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स 41,471 पॉइंट्स पर पहुंच गया। रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट के हजारों मुतासरीन कई माह से सरापा एहतजाज हैं। पंजाब हुकूमत हजारों एकड़ जरई अराजी को औने पौने दामों खरीद रही है। रूडा के मुतासरीन को जायज मुआवजा देने के बजाय धमकियां दी जा रही हैं। रूडा प्रोजेक्ट मुतासरीन से जबरदस्ती जमीनें हथियाने का मामला, नून लीग ने पंजाब असेंबली में मजम्मती करारदाद जमा करा दी। साबिक सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान के खिलाफ पंजाब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां, नून लीग की पंजाब असेंबली में मजम्मती करारदाद जमा। मौकिफ इख्तियार किया कि सियासी मुखालफत पर हरीफों को निशाना बनाना बाइस तशवीश है। पंजाब हुकूमत अब्दुल अलीम खान के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज कर रही है। आज अलीम खान साहब के ऊपर तुम रेड कराते हो, उनको जेलों में उनके बिजनेस के ऊपर, उसी बिजनेस का तुमने खाया हुआ। इमरान खान साहब कोई तो शर्म करो। इमरान खान ने अलीम खान के कारोबार से खाया, अब उन्हीं के दफातर पर छापे पड़वा रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान अपने मोहसिनों के जनाजों में भी शिरकत नहीं करते। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना मंजूर। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को अदालत में पेशी के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की इजाज़त दे दी। अदालत ने हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी मौफी की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया। महकमा इतलात सिंध में 6.25 अरब रुपए करप्शन का केस, अदालत ने शर्जील मेमन की नजरसानी दरख्वास्त मंजूर कर ली। शर्जील मेमन का नाम मुस्तकिल ECL से निकालने का हुक्म। स्पीकर पंजाब असेंबली के इंतखाब के दौरान बैलेट पेपर छुपाने का मुकदमा, अदालत ने लीगी रहनुमा राना मशहूर सैफुल मुल्क खोकर समेत 5 अफराद की जमानतों की तौसीक कर दी। प्रोग्राम के आगाज में आपको बताएं कि क्या इमरान खान ने बुशरा बीबी और अरसलान खालिद की ऑडियो की तस्दीक कर दी है। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने एतराफ किया है, इसी जद्दोजहद को जहाद का नाम देना, हरीफों की हुब्बुल वतनी पर सवालात उठाना, क्या तहरीक इंसाफ कौम की तकसीम करने के मिशन पर गामजन है, सवालात उठने लगे हैं। मैंने अब जहाद डिक्लेयर किया है। मकबूल होने का मतलब कानून से बालातर होना कैसे हो गया। रंगे हाथों पकड़े जाने वाले चोर अब इदारों को बदनाम करके सजा से बचना चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इमरान खान के खिलाफ सख्त रद्द अमल, कहा कौमी सलामती से खेलने वालों को कानून का सामना करना होगा। मैंने खेला ही नहीं अभी, अब ये एक्सपोज करेंगे तो खेलेंगे इसके ऊपर। कौमी मुफादात से खेलने वालों को कानून को जवाब देना पड़ेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम, कहा अवाम के बाद साजिशी अब इदारों में इंतशार फैलाने की साजिश कर रहा है। सिफारती साइफर में रद्दो बदल करके कौमी सलामती से खेला गया। शहबाज शरीफ ने सवाल उठाया कि मकबूल होने का मतलब कानून से बालातर होना कैसे हो गया। वजीर आजम ने कहा आपकी ऑडियो लीक्स ने पाकिस्तान के मुफादात के खिलाफ संगीन साजिश बेनकाब कर दी, कानून सबके लिए बराबर है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने भी वाज़ेह कर दिया कि मरासला साजिश सियासी नहीं, कौमी सलामती का मामला है, कानूनी तरीके से अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। उस साइफर को तब्दील किया गया एनालिसिस में, एक फैसला किया गया कि काबीना की सब कमेटी बनाई जाएगी और सब कमेटी का इजलास 1 अक्टूबर का हुआ। उस सब कमेटी ने ये फैसला किया है कि ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के जमरे में आता है और इसमें FIA की एक कमेटी बनाकर, और FIA का जो इस कमेटी का हेड होगा वो जिन जिन को चाहे को ऑप्ट कर सकता है, तमाम एजेंसीज को इसके अंदर शामिल कर सकता है और इसकी एक भरपूर इन्वेस्टिगेशन होकर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इमरान खान साहब हो या कोई भी चेहरा हो, वो नाकाबिले माफी गुनाह और जुर्म है और ये जुर्म एस्टैब्लिश हो चुका है। वफाकी वजीर का कहना था कि ना सिर्फ सिफारती साइफर को पब्लिक किया गया बल्कि इसमें जालसाजी करके टेम्परिंग भी की गई।
तौहीन तो हुई है और दुनिया के सामने हुई है। तौहीन अदालत केस के फैसले पर मरियम नवाज का रद्द अमल, कहा मुझे सजाए मौत की चक्कियों में रखा गया। इस मुल्क में अगर कानून नाम की कोई चीज है तो उसके हाथ इमरान खान के गिरेबान से दूर नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का रद्द अमल भी सामने आ गया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा तौहीन तो हुई है और पूरी दुनिया के सामने हुई है, ये कहने के बजाय कि केस खारिज हो गया ये कहना ज्यादा मुनासिब है कि फितने को माफी मिली है और दरगुजर हुआ है। अपने एक और ट्वीट में मरियम नवाज ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि जब तुमने मुझे सजाए मौत की चक्कियों में रखा तब भी मैं औरत ही थी, अब तुम्हारे जुल्म और झूठ के पोल खुल रहे हैं, तुम्हारा इंतकाम सरे बाजार रुसवा हो रहा है। इस मुल्क में अगर कानून नाम की कोई चीज तो उसके हाथ तुम्हारे गिरेबान से अब दूर नहीं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ताकतवर हलकों से बातचीत का एतराफ कर लिया, कहते हैं सियासतदान के दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं मगर मुजरिमों से बात नहीं करूंगा। इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए तो सहाफियों ने सवालात की बौछार कर दी। सवाल हुआ आपकी ताकतवर लोगों से बातचीत की खबरें हैं, इमरान खान ने जवाब दिया सियासतदान तो बातचीत करता रहता है मगर मुजरिमों से बात नहीं होगी, बाकी मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। साथ ही ये भी कहा अकलमंदी यही है कि जब बात हो रही हो तो इस पर बयान ना दिया जाए। मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस मिलने पर इमरान खान ने कहा इससे वाजे हो गया कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। और तो और इमरान खान ने अपने हक में फैसला आने के बाद भी मुल्क के अदालती निजाम पर पूरी तरह इत्मीनान का इजहार न किया। हर पॉलिटिशियन अच्छा नहीं होता और हर बुरा नहीं होता, जिस तरह हर साथी भी अच्छे होते बुरे होते हैं, ये तो अच्छे तारीख को होते नहीं है। इमरान खान का कहना था कि उन पर एक ही केस बनाना बाकी रह गया है और वो चाय में रोटी डबो डबो कर खाने का केस है। साइफर से मुतालिक सवाल हुआ तो साहब कह कहे लगा कर खामोश हो गए। टेलीथॉन में इकट्ठी होने वाली रकम का जिक्र हुआ तो बोले वो रकम इस हफ्ते लोगों में तकसीम होना शुरू हो जाएगी। एक और यूचान, वो इमरान खान जो लोगों में एक्स वाई और न्यूट्रल्स का नामुनासिब बयानियां घड़ते रहे अब वो ताकतवर हलकों से मुजाकरात फरमा रहे हैं, एक बार फिर पब्लिक में कुछ और प्राइवेट में कुछ और नजर आ रहे हैं, एक नहीं दो इमरान खान नजर आ रहे हैं। एक और एतराफ, एक और यूटर्न, एक नहीं दो पाकिस्तान, एक नहीं दो इमरान खान जो कल तक पब्लिक में एक्स वाई करते नहीं थक रहे थे। इमरान खान अपनी ही पार्टी के लिए मसला बन गए, सख्त बयानात ने पार्टी इत्तेहाद को दांव पर लगा दिया। एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुजाकरात में नाकामी पर तहरीक इंसाफ दो ग्रुपों में तकसीम हो गई। मुजाकरात में शरीक चार रुकनी कमेटी ने पार्टी मीटिंग में ब्रीफिंग के दौरान बताया कि चेयरमैन के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सख्त बयानात ने मुश्किल पैदा की है। पीटीआई के इजलास की अंदरूनी कहानी जानते हैं समाख नुमाइंदे कजाफी बरसे। जी कजाफी, तफसीलात दीजिए इस बारे में। बिल्कुल जी, कल जो इजलास हुआ, चूंकि इस एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मुजाकरातनी अमल है इसके अंदर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी खुद शरीक है, उन्होंने ब्रीफ किया कि जो चेयरमैन के जारहाना बयान थे उन्होंने मुश्किलात पैदा की हैं और अगर इस वक्त लॉन्ग मार्च या इस्लामाबाद का घेराव किया गया तो इससे मुश्किलात पैदा होंगी, इस तरह के इकदाम से जो है वो ग्रेज किया जाए और हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए और भी तरीके हैं। लेकिन जो तहरीके इंसाफ का दूसरा धड़ा है उन्होंने इस बात की मुखालफत की और डॉक्टर आरिफ अलवी को तनकीद का निशाना बनाया। उनका ये कहना था कि डॉक्टर आरिफ अलवी के जो मुजाकरात हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ उससे कोई फायदा नहीं होगा, आवाम का मोमेंटम बना हुआ है इसलिए लॉन्ग मार्च की तारीख को बढ़ाने की बजाय इसका ऐलान करना चाहिए। इमरान खान को कायल करने की कोशिश की गई जिस पर चेयरमैन ने ये कहा कि वो लॉन्ग मार्च की तारीख का जो ऐलान है 12 रबीउल अव्वल के बाद करेंगे। इजलास के अंदर जो है वो मतवक्को गिरफ्तारियों और जेल भरो तहरीक पर भी गौर किया गया लेकिन इसके अंदर जो असल चीज ये थी कि एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ और एस्टेब्लिशमेंट हमायती धरे के दरमियान जो है वो इख्तलाफात बड़े खुलकर सामने आए और डॉक्टर आरिफ अलवी को तनकीद का सामना जो है वो करना पड़ा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कजाफी बट आपका। पीडीएम सरबरा मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि तहरीक इंसाफ होती कौन है जिससे आर्मी चीफ की तकरीरी या तौसी पर मशवरा किया जाए। इमरान खान की सियासत खत्म हो चुकी है, एक बावला गली कूचों में बोलता फिर रहा है, उसे अहमियत देने की जरूरत नहीं।
वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का बयान, डॉलर 225 रुपए से नीचे आ गया। इंटर बैंक में डॉलर की कदर में मुसलसल 8वें रोज कमी। डॉलर दौरान ट्रेडिंग 3 रुपए 4 पैसे सस्ता हो गया। 8 रोज में इंटर बैंक में डॉलर 15.5 रुपए नीचे आ गया। स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स 41,471 पॉइंट्स पर पहुंच गया। रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट के हजारों मुतासरीन कई माह से सरापा एहतजाज हैं। पंजाब हुकूमत हजारों एकड़ जरई अराजी को औने पौने दामों खरीद रही है। रूडा के मुतासरीन को जायज मुआवजा देने के बजाय धमकियां दी जा रही हैं। रूडा प्रोजेक्ट मुतासरीन से जबरदस्ती जमीनें हथियाने का मामला, नून लीग ने पंजाब असेंबली में मजम्मती करारदाद जमा करा दी। साबिक सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान के खिलाफ पंजाब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां, नून लीग की पंजाब असेंबली में मजम्मती करारदाद जमा। मौकिफ इख्तियार किया कि सियासी मुखालफत पर हरीफों को निशाना बनाना बाइस तशवीश है। पंजाब हुकूमत अब्दुल अलीम खान के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज कर रही है। आज अलीम खान साहब के ऊपर तुम रेड कराते हो, उनको जेलों में उनके बिजनेस के ऊपर, उसी बिजनेस का तुमने खाया हुआ। इमरान खान साहब कोई तो शर्म करो। इमरान खान ने अलीम खान के कारोबार से खाया, अब उन्हीं के दफातर पर छापे पड़वा रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। वजीर इत्तला मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान अपने मोहसिनों के जनाजों में भी शिरकत नहीं करते। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना मंजूर। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को अदालत में पेशी के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की इजाज़त दे दी। अदालत ने हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी मौफी की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया। महकमा इतलात सिंध में 6.25 अरब रुपए करप्शन का केस, अदालत ने शर्जील मेमन की नजरसानी दरख्वास्त मंजूर कर ली। शर्जील मेमन का नाम मुस्तकिल ECL से निकालने का हुक्म। स्पीकर पंजाब असेंबली के इंतखाब के दौरान बैलेट पेपर छुपाने का मुकदमा, अदालत ने लीगी रहनुमा राना मशहूर सैफुल मलुक खोकर समेत 5 अफराद की जमानतों की तौसीक कर दी। प्रोग्राम के आगाज में आपको बताएं कि क्या इमरान खान ने बुशरा बीबी और अरसलान खालिद की ऑडियो की तस्दीक कर दी है। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने एतराफ किया है, इसी जद्दोजहद को जहाद का नाम देना, हरीफों की हुब्बुल वतनी पर सवालात उठाना, क्या तहरीक इंसाफ कौम की तकसीम करने के मिशन पर गामजन है, सवालात उठने लगे हैं। मैंने अब जहाद डिक्लेयर किया है। मकबूल होने का मतलब कानून से बालातर होना कैसे हो गया। रंगे हाथों पकड़े जाने वाले चोर अब इदारों को बदनाम करके सजा से बचना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इमरान खान के खिलाफ सख्त रद्द अमल, कहा कौमी सलामती से खेलने वालों को कानून का सामना करना होगा। मैंने खेला ही नहीं अभी, अब ये एक्सपोज करेंगे तो खेलेंगे इसके ऊपर। कौमी मुफादात से खेलने वालों को कानून को जवाब देना पड़ेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम, कहा अवाम के बाद साजिशी अब इदारों में इंतशार फैलाने की साजिश कर रहा है। सिफारती साइफर में रद्दो बदल करके कौमी सलामती से खेला गया। शहबाज शरीफ ने सवाल उठाया कि मकबूल होने का मतलब कानून से बालातर होना कैसे हो गया। वजीर आजम ने कहा आपकी ऑडियो लीक्स ने पाकिस्तान के मुफादात के खिलाफ संगीन साजिश बेनकाब कर दी, कानून सबके लिए बराबर है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने भी वाज़े कर दिया कि मरासला साजिश सियासी नहीं, कौमी सलामती का मामला है, कानूनी तरीके से अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। उस साइफर को तब्दील किया गया एनालिसिस में, एक फैसला किया गया कि काबीना की सब कमेटी बनाई जाएगी और सब कमेटी का इजलास 1 अक्टूबर का हुआ। उस सब कमेटी ने यह फैसला किया है कि ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के जमरे में आता है और इसमें FIA की एक कमेटी बनाकर, और FIA का जो इस कमेटी का हेड होगा वो जिन जिन को चाहे को ऑप्ट कर सकता है, तमाम एजेंसीज को इसके अंदर शामिल कर सकता है और इसकी एक भरपूर इन्वेस्टिगेशन होके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इमरान खान साहब हो या कोई भी चेहरा हो, वो नाकाबले माफी गुनाह और जुर्म है और ये जुर्म एस्टैब्लिश हो चुका है। वफाकी वजीर का कहना था कि ना सिर्फ सिफारती साइफर को पब्लिक किया गया बल्कि इसमें जालसाजी करके टेम्परिंग भी की गई।
तौहीन तो हुई है और दुनिया के सामने हुई है। तौहीन अदालत केस के फैसले पर मरियम नवाज का रद्द अमल, कहा मुझे सजाए मौत की चक्कियों में रखा गया। इस मुल्क में अगर कानून नाम की कोई चीज है तो उसके हाथ इमरान खान के गिरेबान से दूर नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का रद्द अमल भी सामने आ गया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा तौहीन तो हुई है और पूरी दुनिया के सामने हुई है, ये कहने के बजाय कि केस खारिज हो गया ये कहना ज्यादा मुनासिब है कि फितने को माफी मिली है और दरगुजर हुआ है। अपने एक और ट्वीट में मरियम नवाज ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि जब तुमने मुझे सजाए मौत की चक्कियों में रखा तब भी मैं औरत ही थी, अब तुम्हारे जुल्म और झूठ के पोल खुल रहे हैं, तुम्हारा इंतकाम सरे बाजार रुसवा हो रहा है। इस मुल्क में अगर कानून नाम की कोई चीज तो उसके हाथ तुम्हारे गिरेबान से अब दूर नहीं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ताकतवर हलकों से बातचीत का एतराफ कर लिया, कहते हैं सियासतदान के दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं मगर मुजरिमों से बात नहीं करूंगा। इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए तो सहाफियों ने सवालात की बौछाड़ कर दी। सवाल हुआ आपकी ताकतवर लोगों से बातचीत की खबरें हैं, इमरान खान ने जवाब दिया सियासतदान तो बातचीत करता रहता है मगर मुजरिमों से बात नहीं होगी, बाकी मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। साथ ही ये भी कहा अकलमंदी यही है कि जब बात हो रही हो तो इस पर बयान ना दिया जाए। मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस मिलने पर इमरान खान ने कहा इससे वाजे हो गया कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। और तो और इमरान खान ने अपने हक में फैसला आने के बाद भी मुल्क के अदालती निजाम पर पूरी तरह इत्मीनान का इजहार न किया। हर पॉलिटिशियन अच्छा नहीं होता और हर बुरा नहीं होता, जिस तरह हर साथी भी अच्छे होते हैं। इमरान खान का कहना था कि उन पर एक ही केस बनाना बाकी रह गया है और वो चाय में रोटी डबो डबो कर खाने का केस है। साइफर से मुतालिक सवाल हुआ तो साहब कह कह लगा कर खामोश हो गए। टेलीथॉन में इकट्ठी होने वाली रकम का जिक्र हुआ तो बोले वो रकम इस हफ्ते लोगों में तकसीम होना शुरू हो जाएगी। एक और यूचान, वो इमरान खान जो लोगों में एक्स वाई और न्यूट्रल्स का नामुनासिब बयानियां घड़ते रहे अब वो ताकतवर हलकों से मुजाकरात फरमा रहे हैं। एक बार फिर पब्लिक में कुछ और प्राइवेट में कुछ और नजर आ रहे हैं, एक नहीं दो इमरान खान नजर आ रहे हैं। एक और एतराफ, एक और यूटर्न, एक नहीं दो पाकिस्तान, एक नहीं दो इमरान खान जो कल तक पब्लिक में एक्स वाई करते नहीं थक रहे थे। इमरान खान अपनी ही पार्टी के लिए मसला बन गए, सख्त बयानात ने पार्टी इत्तेहाद को दांव पर लगा दिया। एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुजाकरात में नाकामी पर तहरीक इंसाफ दो ग्रुपों में तकसीम हो गई। मुजाकरात में शरीक चार रुकनी कमेटी ने पार्टी मीटिंग में ब्रीफिंग के दौरान बताया कि चेयरमैन के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सख्त बयानात ने मुश्किल पैदा की है। पीटीआई के इजलास की अंदरूनी कहानी जानते हैं समा के नुमाइंदे कजाफी बर्ड से। जी कजाफी, तफसीलात दीजिए इस बारे में। बिल्कुल जी, कल जो इजलास हुआ, चूंकि इस एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मुजाकराती अमल है इसके अंदर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी खुद शरीक है, उन्होंने ब्रीफ किया कि जो चेयरमैन के जारहाना बयान थे उन्होंने मुश्किलात पैदा की हैं और अगर इस वक्त लॉन्ग मार्च में इस्लामाबाद का घेराव किया गया तो इससे मुश्किलात पैदा होंगी, इस तरह के इकदाम से जो है वो ग्रेज किया जाए और हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए और भी तरीके हैं। लेकिन जो तहरीक इंसाफ का दूसरा धड़ा है उन्होंने इस बात की मुखालफत की और डॉक्टर आरिफ अलवी को तनकीद का निशाना बनाया। उनका ये कहना था कि डॉक्टर आरिफ अलवी के जो मुजाकरात हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ उससे कोई फायदा नहीं होगा, आवाम का मोमेंटम बना हुआ है इसलिए लॉन्ग मार्च की तारीख को बढ़ाने की बजाय इसका ऐलान करना चाहिए। इमरान खान को कायल करने की कोशिश की गई जिस पर चेयरमैन ने ये कहा कि वो लॉन्ग मार्च की तारीख का जो ऐलान है 12 रबीउल अव्वल के बाद करेंगे। इजलास के अंदर जो है वो मतवक्को गिरफ्तारियों और जेल भरो तहरीक पर भी गौर किया, लेकिन इसके अंदर जो असल चीज ये थी कि एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ और एस्टेब्लिशमेंट हमायती धरे के दरमियान जो है वो इख्तलाफात बड़े खुलकर सामने आए और डॉक्टर आरिफ अलवी को तनकीद का सामना जो है वो करना पड़ा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कजाफी बट आपका। पीडीएम सरबरा मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि तहरीक इंसाफ होती कौन है जिससे आर्मी चीफ की तकरीरी या तौसी पर मशवरा किया जाए। इमरान खान की सियासत खत्म हो चुकी है, एक बावला गली कूचों में बोलता फिर रहा है, उसे अहमियत देने की जरूरत नहीं।
वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का बयान, डॉलर 225 रुपए से नीचे आ गया। इंटर बैंक में डॉलर की कदर में मुसलसल 8वें रोज कमी। डॉलर दौरान ट्रेडिंग 3 रुपए 4 पैसे सस्ता हो गया। 8 रोज में इंटर बैंक में डॉलर 15.5 रुपए नीचे आ गया। स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स 41,471 पॉइंट्स पर पहुंच गया। रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट के हजारों मुतासरीन कई माह से सरापा एहतजाज हैं। पंजाब हुकूमत हजारों एकड़ जरई अराजी को औने पौने दामों खरीद रही है। रूडा के मुतासरीन को जायज मुआवजा देने के बजाय धमकियां दी जा रही हैं। रूडा प्रोजेक्ट मुतासरीन से जबरदस्ती जमीनें हथियाने का मामला, नून लीग ने पंजाब असेंबली में मजम्मती करारदाद जमा करा दी। साबिक सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान के खिलाफ पंजाब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ, नून लीग की पंजाब असेंबली में मजम्मती करारदाद जमा। मौकिफ इख्तियार किया कि सियासी मुखालफत पर हरीफों को निशाना बनाना बाइस तशवीश है। पंजाब हुकूमत अब्दुल अलीम खान के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज कर रही है। आज अलीम खान साहब के ऊपर तुम रेड कराते हो, उनको जेलों में उनके बिजनेस के ऊपर, उसी बिजनेस का तुमने खाया हुआ। इमरान खान साहब कोई तो शर्म करो। इमरान खान ने अलीम खान के कारोबार से खाया, अब उन्हीं के दफातर पर छापे पड़वा रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। वजीर इत्तला'आत मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान अपने मोहसिनों के जनाजों में भी शिरकत नहीं करते। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना मंजूर। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को अदालत में पेशी के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की इजाज़त दे दी। अदालत ने हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी मौफी की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया। महकमा इत्तला'आत सिंध में 6.25 अरब रुपए करप्शन का केस, अदालत ने शर्जील मेमन की नजरसानी दरख्वास्त मंजूर कर ली। शर्जील मेमन का नाम मुस्तकिल ECL से निकालने का हुक्म। स्पीकर पंजाब असेंबली के इंतखाब के दौरान बैलेट पेपर छुपाने का मुकदमा, अदालत ने लीगी रहनुमा राना मशहूर सैफुल मलुक खोकर समेत 5 अफराद की जमानतों की तौसीक कर दी। प्रोग्राम के आगाज में आपको बताएं कि क्या इमरान खान ने बुशरा बीबी और अरसलान खालिद की ऑडियो की तस्दीक कर दी है। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने एतराफ किया है, इसी जद्दोजहद को जहाद का नाम देना, हरीफों की हुब्बुल वतनी पर सवालात उठाना, क्या तहरीक इंसाफ कौम की तकसीम करने के मिशन पर गामजन है, सवालात उठने लगे हैं। मैंने अब जहाद डिक्लेयर किया है। मकबूल होने का मतलब कानून से बालातर होना कैसे हो गया। रंगे हाथों पकड़े जाने वाले चोर अब इदारों को बदनाम करके सजा से बचना चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इमरान खान के खिलाफ सख्त रद्द अमल, कहा कौमी सलामती से खेलने वालों को कानून का सामना करना होगा। मैंने खेला ही नहीं अभी, अब ये एक्सपोज करेंगे तो खेलेंगे इसके ऊपर। कौमी मुफादात से खेलने वालों को कानून को जवाब देना पड़ेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम, कहा अवाम के बाद साजिशी अब इदारों में इंतशार फैलाने की साजिश कर रहा है। सिफारती साइफर में रद्दो बदल करके कौमी सलामती से खेला गया। शहबाज शरीफ ने सवाल उठाया कि मकबूल होने का मतलब कानून से बालातर होना कैसे हो गया। वजीर आजम ने कहा आपकी ऑडियो लीक्स ने पाकिस्तान के मुफादात के खिलाफ संगीन साजिश बेनकाब कर दी, कानून सबके लिए बराबर है। वजीर इत्तला'आत मरियम औरंगजेब ने भी वाज़ेह कर दिया कि मरासला साजिश सियासी नहीं, कौमी सलामती का मामला है, कानूनी तरीके से अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। उस साइफर को तब्दील किया गया एनालिसिस में, एक फैसला किया गया कि काबीना की सब कमेटी बनाई जाएगी और सब कमेटी का इजलास 1 अक्टूबर का हुआ। उस सब कमेटी ने यह फैसला किया है कि ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के जमरे में आता है और इसमें FIA की एक कमेटी बनाकर, और FIA का जो इस कमेटी का हेड होगा वो जिन जिन को चाहे को ऑप्ट कर सकता है, तमाम एजेंसीज को इसके अंदर शामिल कर सकता है और इसकी एक भरपूर इन्वेस्टिगेशन होके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इमरान खान साहब हो या कोई भी चेहरा हो, वो नाकाबिले माफी गुनाह और जुर्म है और जुर्म एस्टैब्लिश हो चुका है। वफाकी वजीर का कहना था कि ना सिर्फ सिफारती साइफर को पब्लिक किया गया बल्कि इसमें जालसाजी करके टेम्परिंग भी की गई।
तौहीन तो हुई है और दुनिया के सामने तौहीन। अदालत केस के फैसले पर मरियम नवाज का रद्द अमल, कहा मुझे सजाए मौत की चक्कियों में रखा गया। इस मुल्क में अगर कानून नाम की कोई चीज है तो उसके हाथ इमरान खान के गिरेबान से दूर नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने हुई है वो माफी मिली है और दरगुजर हुआ है। अपने एक और ट्वीट में मरियम नवाज ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि जब तुमने मुझे सजाए मौत की चक्कियों में रखा तब भी मैं औरत ही थी, अब तुम्हारे जुल्म और झूठ नाम की कोई चीज तो उसके हाथ तुम्हारे गिरेबान से अब दूर नहीं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ताकतवर